आज प्रोग्राम के शुरू में यानी वीकेंड के शुरू में मंडे के दिन में एक बहुत ही जबरदस्त क्या हो रहा है, जबरदस्त, और वो कहते हैं ना कि जबरदस्त टॉपिक में लेकर आई हूँ जो हर किसी के घर की कहानी है। हर किसी के घर में तूतू मैं होती है, और ये तूतू मैं ना हो तो ज़िंदगी कितनी सबर जाए। ये जो स्ट्रेस है, ये टेंशन है, बाहर वालों का तो होता ही, लेकिन जो घर वालों का स्ट्रेस और टेंशन होता है ये सबसे ज़्यादा बढ़कर होता है। अगर अंदर से आप सुकून में होते हैं ना तो आप पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप अंदर से ही सुकून में नहीं होते, हर वक्त चींची पापा टीटी हो रही होती है, तो फिर ना नींद आती है प्रॉपर, ना कोई घर का सही काम हो सकता है, ना बाहर का कोई सही काम हो सकता है। और ये दोनों के लिए बोल रही हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो साथ का रिश्ता है, जो जोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई होती है। आप एक दूसरे से दुख सुख शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी एक दूसरे से शेयर करते हैं, और फिर इन दी एंड बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जब सब आपको छोड़ जाते हैं आप दोनों अकेले रह जाते हैं, लेकिन इस रिश्ते में ये तूतू मैमे का सिलसिला क्यों होती है, बहस मुबाहिसा, पॉइंट ऑफ व्यू क्यों डिफरेंट होते हैं, क्या वजूहत होती हैं कि मियाँ बीवी कभी कभार किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं होते हैं। बीवी वेस्ट जा रही होती तो मियाँ ईस्ट जा रहा होता है, बीवी नॉर्थ जा रही होती तो मियाँ साउथ जा रहा होता है, ये क्यों ऐसा होता है? अगर मियाँ को ऑरेंज कलर पसंद होता था शादी से पहले तो बीवी का फेवरेट कलर ऑरेंज हो जाता था। अगर बीवी को जी गोल गप्पे खाना ही पसंद था तो मियाँ सुबह दोपहर शाम गोल गप्पे ही खाता था शादी से पहले। लेकिन ये शादी के बाद इतनी सारी चेंजेस एक दूसरे में कैसे आ जाती हैं? बीवी हर बात जो मियाँ कहता था, मंगेतर हर बात जो दूसरा कहता था वो सुन लिया करता था या करती थी, लेकिन ये शादी के बाद मियाँ बीवी होने के बाद क्यों एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं? जिस तरह सेल, अगर आप प्लस प्लस एक साथ जोड़ें और माइनस माइनस एक साथ जोड़ें तो ऐसे होते, या मैग्नेट, या मैग्नेट को नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ एक साथ जोड़ें तो ऐसे एकदम उछल के जाते हैं ना, बिल्कुल मियाँ बीवी भी उसी तरह उछल के एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब किसी बात पर अड़ जाए, जब दोनों की सोचे मुख्तलिफ हों तो बहुत मुश्किल होती है, फिर दोनों में से किसी एक को चुप होना पड़ता है, क्योंकि इंसान की आइडियोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी बन गए तो आइडियोलॉजी भी एक हो गई। हाँ, कभी ऐसा होता है कि बीवी मियाँ को अपने रंग में ढाल लेती है और मियाँ बीवी को अपने रंग में ढाल लेता है। अब मगर मैं आपसे कहूँ, घर की जिम्मेदारियाँ, रख रखाव, सबसे मिलना जुलना, खानदान को लेके चलना, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा, खाना पीना, सबकी हेल्थ का ख्याल रखना, ये सिर्फ बीवी की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, इसमें पूरी पूरी जिम्मेदारी हस्बैंड की भी है। ये सिर्फ नहीं होता कि कमा के ला के दे दिया, हाथ पे रख दिया तो ओके, जिम्मेदारी ख़त्म। और फिर अगर खुदा ना खास्ता बच्चों के रिजल्ट ख़राब आए या बच्चों की कोई शिकायत आई तो सारी डांट बीवी को पड़ गई। हाँ, तुम देखो कैसे रखती हो, तुम ख्याल नहीं रखती हो, सारा दिन मैं मेहनत करके कमा के लाता हूँ लेकिन तुम क्या देती हो मुझे, बच्चों को देखो कैसे पाला है, मैले घूमते रहते हैं, परवरिश उनकी अच्छी नहीं हो रही। तो ये एक्चुअली परवरिश बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ बीवी की नहीं है, बल्कि मियाँ की भी उतनी ही है। आपको पता है बीवी तो सुबह से लेकर रात तक बच्चों पे चीखती रहती है, तो उसका जो उसकी जो वर्थ है, वो वैल्यू है, वो कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं अम्मी को तो बस एक ही काम आता है सुबह से लेकर रात तक हमारे ऊपर चीखना चिल्लाना। मगर जब अब्बू को एक बात कह देते हैं ना तो वो दिल में बैठ जाती है, वो चीज़ हमें अपने आप से सही करनी पड़ती है। मेरे मियाँ को तो जब मैं कहती हूँ ना, देखो तुम्हारे बच्चे ये करें, देखो वैल्यू ना ख़त्म कराओ मेरी, हर बात में मैं डांट नहीं सकता, तो बड़े मुझे ही निगेट कर देते हैं, बच्चों को कुछ कहता ही नहीं है। अगर हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा कोई उनकी झाड़ सुनते हैं बच्चे, मगर उसके अलावा हर मेरी जिम्मेदारी है सुबह से लेकर रात तक उनको झाड़ना, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशन, और जो घर में कोई ख़राबी, अब भाई घर का हमारा एक हैंडल टूटा हुआ है और इसको कोई हो गया एक महीना हैंडल टूटे हुए, ये नहीं कि खुद बुला ले कारपेंटर को, निदा ये क्या, मैं कारपेंटर हूँ क्या, निदा ये क्या, आते जाते हर वक्त ये टूटा हुआ है। मैंने कहा पिछली दफ़ा मैंने लगवाया था, अब तुम्हारी बारी है भाई, अब तुम भी कुछ देखो, अब बल्ब फ्यूज़ हो गए, लाइट, निदा इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। मैंने कहा आपके पास भी तो नंबर है ना, सारी जिम्मेदारी। तो ये सब के मियाँ ऐसे करते हैं। अब घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई, अंडे ख़त्म हो गए, मैं घर में नहीं थी या देखो अंडे नहीं आए, अरे तो मंगा लो अंडे, ड्राइवर को भेज के मंगाने हैं, हाँ या खुद जाके ले आओ,